सो गाइस, ये है TVS Apache 180 और इस वीडियो में बताने वाले हैं किस तरह से जो आप इस बाइक की जो सीट ओपन करेंगे। बेसिकली काफ़ी लोगों को नहीं पता हुआ सीट कैसे ओपन की जाती है इस बाइक की, वॉलेट तो इसमें चाहे 160 हो चाहे 180 हो कैसे ओपन करना है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। काफ़ी सिंपल सा तरीका है, वीडियो देखने के बाद आप भी ओपन कर पाएंगे। तो चाबी चाहिए होगी, बेसिकली हमें ले लेते हैं चाबी। सबसे पहले हमें साइड वाला पैनल खोलना पड़ेगा, ये वाला। ऑलराइट, ये आ गया बाहर, इसको खींच लेते हैं। बेसिकली इसमें लॉक लगे होते हैं तो थोड़ा इस तरह से खींचना पड़ेगा आपको जान लगा के। ये लॉक ना फिक्स हो जाते हैं रबड़ में। ऑलराइट, तो ये पैनल हमारा खुल चुका है, पैनल बाहर आ गया, इसके अंदर लॉक हो जाते हैं इस तरह से। इसको मतलब ओपन करना तो काफ़ी आसान है इस पैनल को बेसिकली, बट लगाना काफ़ी टफ है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। सो अब सीट ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक वायर होती है ऑलराइट, जो 160 मॉडल में भी होगी, तो ये 180 है, तो इसे खींचेंगे तो सीट का जो लॉक ओपन हो जाएगा, सीट जो हमारी यहाँ इस तरह से खिंच जाएगी। ऑलराइट, तो सीट आ गई है बाहर, इस तरह से आप भी खोल पाएंगे और देख सकते हैं भाई किस तरह की नज़र आ रही है बाइक अभी, भाई सीट के नीचे क्या है इसमें। सो दुनिया भर की वायरिंग है इसमें। ऑलराइट, अब बंद करना है सीट को, ऑलमोस्ट वैसे ही इसको बंद करेंगे हम सिंपली। सीट के नीचे यहाँ पर लॉक्स होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, इस तरह के लॉक हैं जो आगे की तरफ है, ये मेन लॉक जो यहाँ पर फंस जाता है। ऑलराइट, यहाँ पर फंस जाएगा वो, और बाकी ऊपर वाला जो है ये लॉक है, मतलब पिन है बेसिकली, जो लॉक के अंदर हो जाती वोरा लॉक यहाँ पर। ऑलराइट, जो कि वायर से कनेक्ट रहता है। फिट करने के लिए सिंपली क्या करना है, हमें सीट को इस तरह से लेंगे और ध्यान रखें फ्रंट वाला लॉक जो ज़रूरी है, जो लॉक हो जाए फंस जाए उसमें बेसिकली, इस तरह से लेंगे इसको और यहाँ फंसा के सिंपली दबा देंगे भाई साहब, सीट हमारी जो लॉक हो जाएगी। ऑलराइट, हो ही नहीं है तो सीट हमारी लॉक होगी, दबाना पड़ेगा इसको। तो सीट हमारी दोबारा फिट हो चुकी है, अब सिंपली यहाँ पर जो पैनल को बंद कर देंगे। देखो सीट को ओपन इस तरह से कर सकते हैं, पैनल को बंद करना थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़िकल्ट है, क्योंकि देखो ऊपर वाले आप दोनों लोग फंसा देंगे इसमें, ये वाला फंसा देंगे, ये वाला लोग है ये भी फंसता है और ये भी फंसता है, नीचे वाले भी फंसते हैं, एक छोटा वाला फंसेगा और ये वाला फंसेगा। अब कैसे फंसाना है वो देख लीजिए। सबसे पहले हम ऊपर वाले लोग को फिक्स करेंगे, इसके अंदर फंसाएंगे और देन ऐसे करके ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये वाला लॉक भी यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, ये वाला इस लॉक के अंदर। तो इसको लगाते हैं सबसे पहले। सो तीसरा करके दबाएंगे तो टूट सकता है, तो हो गया नाउ। अब इसे ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ वाला लॉक भी फिक्स हो जाएगा और देन यहाँ वाला लॉक पर रख के इसको दबा देंगे, ये लग गया नाउ। अब क्या करना है, सिंपली यहाँ वाले लॉक को लगाना है, हल्का सा इसको उठा के लगाना पड़ता है, अदरवाइज कई बार लगता नहीं, थोड़ा इधर उधर रहता है, तो इसमें मेरे को भी कई बार देखना पड़ता है। ऑलराइट, ये हो गया फिक्स और भाई ये पैनल हमारा हो चुका है फिट। ऑलराइट, सो इस तरह से आप भी अपनी बाइक की जो सीट है वो ओपन कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल सा तरीका। जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो इस पैनल को दोबारा से बंद करना है, बट आप ध्यान से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना। साथ ही गाइस, हमने एक वीडियो में बताया किस तरह से जो TVS Apache के रियर डिस्क ब्रेक पैड चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी सिंपल सा तरीका और इंटरेस्टिंग भी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, हेल्पफुल हुई तो क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब।